किया था कि डेटा डिक्शनरी व्यूज क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल में, वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज डेटा डिक्शनरी व्यूज एंड व्हाट इज डेटा डिक्शनरी बेस टेबल्स एंड व्हाई वी नीड टू क्रिएट द व्यूज ऑन द बेस टेबल्स एंड देन द डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। ठीक है, तो इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स। वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द बिल्ट इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स एंड यूज ऑफ द डेटा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हाउ डेटा डिक्शनरी व्यूज आर क्रिएटेड एंड आइडेंटिफाई द डेटा डिक्शनरी व्यूज कैटेगरीज। ठीक है, बिकॉज देर आर थ्री डिफरेंट लेवल्स विच वी कैन यूज टू गेट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा डिक्शनरी व्यूज। तो क्यूरी एंड देन वी विल डिस्कस द हाउ वी कैन क्यूरी द डेटा डिक्शनरी एंड डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज एंड गेट द इंफॉर्मेशन एंड दैट इंफॉर्मेशन हाउ कैन हेल्प द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कॉमन यूजर। तो नॉर्मली जो उनसे है वो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज और डेटा डिक्शनरी व्यूज की जो इंफॉर्मेशन होती है ये एडमिनिस्ट्रेटर यूजर्स के लिए होती है। ठीक है, तो लेकिन ये कि कॉमन यूजर्स भी उसको टू सम एक्सटेंट जो उनसे है वो उसको बार दफा एक्सेस कर सकते हैं। और फिर जो उनसे है लास्ट पे कि अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रिप्ट नेमिंग कन्वेंशंस, तो कि उसकी नेमिंग कन्वेंशंस क्या है ताकि आपको स्क्रिप्ट से पता चल जाए कि ये किस किस्म का टेबल है और इसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो वो उसकी क्योंकि वो ओरेकल जो उनसे वो एक पैटर्न जो उनसे वो फॉलो करता है फॉर देयर नेमिंग कन्वेंशंस। जो व्हेन वी विल क्रिएट द डेटाबेस विद द क्रिएट कमांड और यूनिवर्सल इंस्टॉलर और DBCA एनी टाइप ऑफ द टूल कंपोनेंट यू विल यूज, तो देयर आर सम बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स व्हिच विल बी क्रिएटेड एट दैट टाइम व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस। तो उनमें जो उनसे वो डेटा डिक्शनरी एंड वी आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा डिक्शनरी बेस टेबल्स बिकॉज दीज आर द बेस टेबल्स एंड ऑन विच देर इज नो एक्सेस फॉर द यूजर्स डायरेक्टली और ओनली ओरेकल सर्वर एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेस दीज बेस टेबल्स एंड ऑल द टाइम ओरेकल सर्वर नीड्स टू रीड और राइट दीज बेस टेबल्स। क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है तो इसलिए यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल भी नहीं होता और ये हमेशा जोन से वो डॉलर साइन से जैसे इंडेक्स डॉलर साइन है तो ऐसे जोन से वो इनके नेमिंग कन्वेंशन होते हैं। लेकिन टू सम एक्सटेंट कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि बीइंग अ DBA जोन से वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यू कैन एक्सेस फ्रॉम द बेस टेबल्स। अदरवाइज मोस्टली जोन से ये ओनली ओरेकल सर्वर विल यूज दीज बेस टेबल्स। और सेकंड जो ऑब्जेक्ट है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है वो है परफॉर्मेंस टेबल्स। दीज आर द डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज विच आर आल्सो कॉल्ड वर्चुअल टेबल्स एंड दे आर ओनली रिजाइड इन द मेमोरी एंड दे कैन ओनली एक्सेसिबल व्हेन योर डेटाबेस विल बी ओपन। क्योंकि वो ये जो है ये डायनामिकली रन टाइम के ऊपर आपकी जो डिफरेंट एक्टिविटीज डेटाबेस के साथ आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, डेटाबेस आपने कब ओपन की, फिर आपके कितने ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको क्या मेमोरीज एलोकेट आपने की हुई हैं, कितने यूजर्स हैं, कौन लॉग इन है, कौन लॉग आउट है, ठीक है, किसने बैकअप उसका परफॉर्म किया है, तो ऑल दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द डेटाबेस विल बी ट्रैक्ड एंड विल बी स्टोर्ड इन दिस डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। तो इसीलिए इनको डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज कहते हैं। तो ऑल द टाइम व्हेन यू विल क्यूरी दिस डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज यू कैन गेट द डिफरेंट वैल्यू। क्योंकि टाइम टू टाइम जैसे ही आपकी डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी और वो डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे तो वैसे वैसे जो उनसे वो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज के कंटेंट्स भी जो उनसे वो चेंज होते जाएंगे। तो और ये भी जो उनसे वो नॉर्मली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही इस इंफॉर्मेशन को यूज करता है, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉर्मली मेंट फॉर द कॉमन यूजर्स। और थर्ड पे आता है PL SQL। ठीक है, फॉर द PL SQL सपोर्ट उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने और उनको रन करना, तो उसके लिए जो उनसे वो
PL SQL packages जो उनसे वो objects create करती है Oracle, and that need to be create before opening the database. और fourth जो उनसे है जो built-in that object create होता है when you will create the database, that is the database event trigger. तो ये भी automatically call होते हैं आप जब भी कोई database के अंदर update करते हैं, कोई आप नया ऑब्जेक्ट टेबल क्रिएट करते हैं, कोई इंडेक्स क्रिएट करते हैं, कोई वैल्यू चेंज करते हैं, कोई उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, कोई उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं, तो ऑल द टाइम्स दीज ट्रिगर्स विल बी कॉल्ड इट एंड दे विल परफॉर्म द एक्शन ऑन दैट अप्रोप्रिएटली. तो वो उसके अगेंस्ट अगर किसी बैकग्राउंड प्रोसेस को एक्टिवेट करना है या किसी स्टोरेज मीडिया को लोड करना है या डाटा फाइल को एक्सेस करना है या डाटा डिक्शनरी टेबल व्यूज को एक्सेस करना है, तो दीज एक्चुअली इवेंट ट्रिगर्स विल डू दैट ऑन द बिहाफ ऑफ द दैट यूजर एक्शन. तो इसलिए जो चाहिए आप डिफरेंट जो डेटाबेस इवेंट ट्रिगर्स हैं दे विल बी एक्चुअली क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ डेटाबेस क्रिएशन. अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू विल क्रिएट द डेटाबेस बाय यूनिवर्सल इंस्टॉलर और या DBCA, तो आपको पता है कि दोनों सूरतों में ऑटोमेटिकली जो है वो डेटाबेस क्रिएट करेगा और ये आपके टेबल भी जो है वो ऑब्जेक्ट्स भी डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो क्रिएट हो जाते हैं. लेकिन अगर आप मैन्युअली थ्रू क्रिएट कमांड जो है क्रिएट डेटाबेस कमांड डेटाबेस क्रिएट करते हैं देन यू हैव टू देन द डेटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल्स विल बी क्रिएटेड बट यू हैव टू क्रिएट द डेटा डिक्शनरी व्यूज. क्योंकि देखें अभी जो बेस टेबल्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते फॉर द इवन फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स. ठीक है, तो वो सिर्फ ओरेकल सर्वर जो उनसे वो उनको यूज करता है रीड और राइट ऑपरेशन के लिए. और जब भी आप कोई नया यूजर क्रिएट करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो द कंटेंट्स ऑफ द डेटा डिक्शनरी बेस टेबल्स विल बी चेंज्ड बाय द ओरेकल सर्वर. और जब भी आप किसी डेटा को एक्सेस करेंगे, कोई यूजर एक्सेस करेगा, तो बेस टेबल्स के कंटेंट्स को ओरेकल सर्वर रीड करेगा. तो लेकिन ये है कि दैट इंफॉर्मेशन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो उसको सिंपलीफाई करने के लिए और सेकंड ये है कि सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप बेस टेबल के अंदर अपडेट की कमांड से कोई भी चेंज कर लें तो आपका सर्वर क्रैश कर जाता है. बेशक वो चेंज वैलिड है, इंटेग्रिटी को वायलेट नहीं कर रही, लेकिन यह है कि आपका ओरेकल सर्वर यू हैव टू रीइंस्टॉल द सर्वर. तो इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बेस टेबल्स को डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जाता. तो फिर उनके ऊपर जो है वो उनको कहते हैं डेटा डिक्शनरी व्यूज. तो ये जितने हम क्यूरी करते थे लाइक यूजर अंडरस्कोर टेबल्स था और इंडेक्सेस था, तो ये सारे जो है ये डेटा डिक्शनरी व्यूज है. These are not the base table. Base tables are end up with the dollar sign, like tables, dollar sign, और इस तरह. तो इसलिए जब आप करते हैं तो base tables तो automatically बन जाते हैं. लेकिन ये है कि आपको you have to run the script, catprog.bsq script you have to run to create the data dictionary views on those base tables. और इसी तरह फिर dynamic performance views भी जो है you have to these are by default will be created when you will create the database command. Lekin PL SQL packages ke liye ye automatically nahi honge agar aap manually database create karenge. To uske liye aapko catprog jonse hai wo script run karna padega immediately after database creation when you will use the create database command manually. Aur database event trigger jonse hai ye bhi default objects and you have to create these ones. अच्छा, data dictionary जो है ये आपको पहले भी आता है, इसको active data dictionary भी कहते हैं, इसको system catalog भी कह देते हैं. तो it's a central repository which will be stored along with the database. तो एक तो आपकी database होगी और दूसरे उसमें आप जो है वो user defined objects store करेंगे. लेकिन ये है कि उसके साथ आपकी डेटा डिक्शनरी टेबल्स जो से इन द फॉर्म ऑफ जायर डेटाबेस वो भी होंगे अलोंग विद डेटाबेस विल बी स्टोर्ड ऑन द सेम लोकेशन. तो
सेंट्रल टू एवरी ओरेकल डेटाबेस, जाहिर है हर जितने भी ओरेकल की जितनी डेटाबेसेस होंगी उनकी अपनी सिस्टम कैटलॉग मेंटेन होगी, ठीक है, और इट विल डिस्क्राइब द डेटाबेस एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो ये जो उनसे वो उसकी डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन और उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके ऑब्जेक्ट की डिटेल, और फिर जो उनसा है उसके ऊपर आप कोई कंस्ट्रेंट लगाए करते हैं, अप्लाई करते हैं, कोई इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट है, नंबर ऑफ यूजर्स हैं, और इस तरह की सारी जो इंफॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डाटा दैट विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी बेस टेबल, कंटेन रीड ओनली टेबल एंड व्यूज, ठीक है। तो और ये रीड ओनली इंफॉर्मेशन होती है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये जो आपके डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज है ना, इनके ऊपर भी आप व्यूज क्रिएट कर सकते हैं टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन फॉर द यूजर्स, ठीक है। उनको कहते हैं फिक्स्ड व्यूज, तो जो कि आप जिनके थ्रू आप अंडरलाइन जो इंफॉर्मेशन है ओरिजिनल टेबल्स में वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि आप सिंपल व्यूज क्रिएट कर सकते हैं और उनके थ्रू अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, अगर आपने मोर देन वन टेबल्स को मिला के व्यूज क्रिएट नहीं किए हुए, देन यू कैन अपडेट द टेबल्स इवन बाय यूजिंग दोज व्यूज। लेकिन ये है कि ये जो इधर है, क्योंकि इधर हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते और उसको अपडेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वी विल क्रिएट द फिक्स्ड व्यूज व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड टू चेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम टेबल स्पेस। अच्छा, ये जो आंसर है ये इंपॉर्टेंट है कि ये बाय डिफॉल्ट जो उनसे वो आपकी सिस्टम टेबल स्पेस में बनते हैं, एंड यू हैव नो एनी अदर चॉइस टू क्रिएट दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू एनी अदर टेबल स्पेस। तो आपका जो यूजर डिफाइंड डाटा है उसके लिए जो उनसे आप एनी नंबर ऑफ टेबल स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स की अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डाटा, टाइप ऑफ डाटा एंड पर्पज ऑफ डाटा। लेकिन ये है कि ये जो आपकी डाटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल्स होते हैं और डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज वर्चुअल टेबल्स होते हैं, दे विल बी स्टोर्ड in the system table space and sys user will be the by default owner of these objects maintained by the oracle server and access or isko access karne ke liye zahir hai ki simple aap jo unse wo jaise select ki command aap use karte the simple, so they will behave just like a normal tables or objects and you can query those views अच्छा इसमें बेस टेबल द डेटा डिक्शनरी। अच्छा, इसमें दो पार्ट्स जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि डेटा डिक्शनरी बेस टेबल्स होते हैं जो कि डेटा जो आपकी डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन है उसको स्टोर करते हैं, और फिर जो उनसे है आपके होते हैं डेटा डिक्शनरी व्यूज, ठीक है, तो जो कि सनानम्स होते हैं थ्रू पब्लिक जो वो एक्सेसिबल होते हैं, और दे विल बी क्रिएटेड बाय रनिंग द कैट लॉग डॉट एसक्यूएल। कैट प्रॉक और कैट लॉग दो स्क्रिप्ट्स हैं विच यू मस्ट हैव टू रन आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस मैनुअली थ्रू क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो उसके लिए फिर जो है वो आप ये दो हैं कैट प्रॉक जो है कैट लॉग जो है इट विल यूज टू क्रिएट द डेटा डिक्शनरी व्यूज ऑन योर डेटा डिक्शनरी बेस टेबल, और कैट प्रॉक जो है वो पी एल सीक्वल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने के लिए करेंगे। तो विदाउट रनिंग दीज स्क्रिप्ट्स यू कैन नॉट ओपन योर डेटाबेस। अच्छा जी, उसमें तो ये स्क्रिप्ट जो है ये आप रन करेंगे ओनली इफ यू विल क्रिएट द डेटाबेस मैन्युअली थ्रू द क्रिएट डेटाबेस कमांड, अदरवाइज अगर डीबीसीए के थ्रू आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो दिस स्क्रिप्ट विल ऑटोमेटिकली रन बाय द ओरेकल सर्वर, और यूनिवर्सल इंस्टॉलर भी होगा तो वो भी डीबीसीए को जाहिर है कॉल करेगा,
तो फिर भी आपको ये स्क्रिप्ट रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कंटेंट्स, तो ये मोर ऑर लेस यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट के व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द सिस्टम कैटलॉग और डाटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल, लाइक के ऑल द यूजर्स इंफॉर्मेशन, देयर प्रिविलेजेस इंफॉर्मेशन एंड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय द यूजर्स एंड द डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स व्हिच यू विल अप्लाई ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द डाटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल। और फिर आपके इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स इंफॉर्मेशन, और फिर आप कोई रोल्स क्रिएट करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन, और फिर आप डिफरेंट जो यूजर्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस ग्रांट करते हैं, दैट इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल्स। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑडिटिंग इंफॉर्मेशन, इफ यू विल स्टार्ट ऑडिटिंग ऑन योर डेटाबेस, सो दैट विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी बेस्ड टेबल। तो ये ऑडिटिंग का भी एक आगे यूनिट आएगा, तो देन वी विल डिस्कस के इन डिटेल के ऑडिटिंग क्या होती है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट ऑडिटिंग, ये आपको स्टार्ट नहीं करनी पड़ती, लेकिन ओरेकल सर्वर जस्ट फॉर टू मॉनिटर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ योर डेटाबेस, एक्टिविटीज ऑफ योर डेटाबेस, एक डिफॉल्ट ऑडिटिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी वो लॉग फाइल्स जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो उससे आप यू कैन गेट द आइडिया ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स एंड द एक्टिविटीज परफॉर्म विद दैट डेटाबेस। लेकिन यह है कि आप खुद से भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, यूजर लेवल पे, कमांड लेवल पे, ऑब्जेक्ट लेवल पे, जो उनसे वो सेशन लेवल पे, तो आप एडिटिंग ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इफ यू वांट टू क्यूरियस अबाउट योर डिफरेंट यूजर्स और टेबल। लाइक आप कहते हैं जी कि अगर कोई ड्रॉप की कमांड चलाए, कोई भी यूजर हो, तो वो उसका लॉग जनरेट करे, तो यू कैन स्टार्ट एडिटिंग ऑन द ड्रॉप कमांड। तो वेन एवर एनी यूजर विल ट्राई टू रन द ड्रॉप कमांड, उसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं कि आप कहते हैं जी वो कमांड को रन करने की कोशिश करे, वो कंप्लीट हो टास्क या ना हो। लाइक एक यूजर है, उसके पास ड्रॉप कमांड को रन करने का प्रिविलेज ही नहीं है, लेकिन इवन ही ट्राइड टू रन ड्रॉप कमांड, तो वो तो आप फिर उसके ऊपर भी लॉग जनरेट कर सकते हैं कि अगर कोई ड्रॉप कमांड को रन करने की कोशिश करे, वो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रिविलेजेस वो चले या ना चले, वो उसको लॉक करेगा। और ये होता है कि अगर वो सक्सेसफुली चले तो वो उसका लॉक जनरेट करे, अदरवाइज ना करे। तो इन दोनों लेवल्स के ऊपर जो उनसे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद यूजर्स का आ गया, और जो ओरेकल सर्वर जो है ना, वो ऑल द टाइम व्हेन एवर यू विल परफॉर्म एनी एक्शन ऑन द ओरेकल सर्वर, इट नीड्स टू रीड द डेटा डिक्शनरी व्यू। तो वो यूजर्स हैं, जब उन्होंने जाहिर लॉग इन होना है, एक्सेस करना है, तो वो डेटा डिक्शनरी को पढ़ेगा, स्कीमा ऑब्जेक्ट है। एक यूजर है, वो किसी दूसरे यूजर का स्कीमा का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है, तो ओरेकल सर्वर विल रीड द डेटा डिक्शनरी, क्योंकि उससे उधर से पता चलेगा कि इज दिस यूजर ऑलरेडी ग्रांट द एक्सेस ऑन हिज ऑब्जेक्ट टू द डिफरेंट अदर यूजर और नॉट, तो वो उसको करेगा। और फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, जो आपने डिफरेंट एलोकेशन स्पेस एलोकेशन की हुई है, डिफरेंट फाइल्स हैं, उनका साइज है, तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल आल्सो बी स्टोर्ड इन द डेटा डिक्शनरी व्यूज। अच्छा, ये जो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज है ना, ये आपके रन टाइम के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके किधर से आते हैं? तो ये आपके, ये आपने याद रखना है, देखें जो आपके डेटा डिक्शनरी व्यूज होते हैं वो परमानेंटली आपके स्टोर हो जाते हैं। जो डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज होते हैं, ये आपके वर्चुअल टेबल्स होते हैं, जो कि उनका स्ट्रक्चर तो परमानेंटली स्टोर होता है, बट द कंटेंट्स विल ऑलवेज विल बी लोडेड फ्रॉम द डेटाबेस। तो ये जो आपके डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हैं, दे ऑलवेज रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर कंट्रोल फाइल एंड इंस्टेंस, ठीक है। तो इंस्टेंस के अंदर जो होता है, आप अगर कोई मेमोरी स्ट्रक्चर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, तो इट विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ द डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। फिर इसी तरह अगर आप डिफरेंट जो एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने डेटाबेस के साथ, और वो आपके कंट्रोल फाइल के
कंटेंट्स को चेंज करती है, तो जिससे आपके डायनामिक परफॉर्मेंस भी उसके कंटेंट्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये इसके ऊपर एक पूरा आएगा, यूनिट आएगा कि व्हाट इज कंट्रोल फाइल एंड व्हाट विल बी द कंटेंट्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द कंट्रोल फाइल। तो फिर देन यू कैन अंडरस्टैंड क्लियरली दैट द डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज विल ऑलवेज रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंट्रोल फाइल एंड इंस्टेंस ओरेकल इंस्टेंस। उसके अलावा जी आ गया कि आपका whenever you will run the DDL command, Oracle server will write the contents in the data dictionary, and whenever DBA will use a retrieve information query that information from the data dictionary tables. तो ये लास्ट टाइम भी आपने इसको किया था कि तीन डिफरेंट लेवल्स होते हैं, बेशक वो आपके डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज हो डिफरेंट टाइप्स के, तो उसमें DBA व्हाट इज इन ऑल द स्कीमास, बट वो इंफॉर्मेशन विल बी रिट्रीव एट द डेटाबेस लेवल। ऑल का मतलब होता है कि द ओवरऑल डेटा दैट इज ओनली एक्सेसिबल बाय दैट यूजर। ठीक है, उसके दो मोड हो सकते हैं कि अच्छा ये लास्ट 8 मिनट्स रह गए, तो उसके दो मोड्स हो सकते हैं, या जो डाटा दैट उस यूजर के लिए एक्सेसिबल होगा वो उसकी इंफॉर्मेशन आएगी, और फिर यूजर, ठीक है, तो पर्टिकुलर यूजर जिनका ऑनर होगा, तो उसके लेट्स सपोज आप कहते हैं DBA_tables, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द टेबल्स व्हिच विल बी क्रिएटेड इन दैट डेटाबेस इन ऑल स्कीमास। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी all_tables, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द टेबल्स दैट आर एक्सेसिबल बाय दैट यूजर। ठीक है, उसमें दो टाइप्स हो सकती हैं, या तो वो उनका वो ऑनर हो या किसी ने उसको उसके ऊपर एक्सेस ग्रांट की हो। और अगर आप कहते हैं user_tables select static from user_table, तो इट विल डिस्प्ले ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट फॉर दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और टेबल्स फॉर विच दैट यूजर इज ऑनर ऑफ दोज टेबल्स, तो वो उनका सिर्फ ऑनर होगा। तो ये इस तरह तीन डिफरेंट लेवल्स के, तो दिस इज द जस्ट एग्जाम्पल ऑफ द डेटा डिक्शनरी बेस ओवर व्यूज डेटा डिक्शनरी व्यूज। ठीक है, डिक्शनरी है, डिक्स्ट कॉलम्स है, ठीक है, और स्कीमा के लिए DBA टेबल है, DBA इंडेक्स है, DBA टैब कॉलम्स है, तो स्पेस एलोकेशन है, DBA सेगमेंट्स है, ये भी हमने पढ़ना है सेगमेंट्स क्या होते हैं, एक्सटेंट्स क्या होते हैं, देन यू कैन गेट द बेटर आइडिया कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर आप टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स और एक्सटेंट्स you can get the information from overall from the database, aur phir database structure hai ke DBA_tables hai ke how many table spaces are created in that database and how many data files are added in that database, to ye sari information you can retrieve from the data dictionary views. Acha, dynamic performance views jo unse hain, वर्चुअल टेबल्स होते हैं, दे ऑलवेज रिकॉर्ड द करंट डेटाबेस एक्टिविटी और कंटिन्यूली अपडेटेड व्हाइल द डेटाबेस इज ऑपरेशनल फ्रॉम मेमोरी एंड द कंट्रोल फाइल यूज्ड टू मॉनिटर एंड ट्यून द डेटाबेस। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपने अपने डेटाबेस की ट्यूनिंग करनी है और मॉनिटर करना है और उसके एक्शन को मॉनिटर करना है, तो देन यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन। और इसलिए ये नॉर्मली जो है वो DBA ही इसको यूज करते हैं, कॉमन यूजर्स इसको एक्सेस नहीं करते। और ये V_$ से इनका नाम स्टार्ट होता है, लेकिन ये है कि डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज के ऊपर भी व्यूज क्रिएट किए जाते हैं टू जस्ट सिंप्लीफाई द इंफॉर्मेशन एक्सेस। और जैसे मैंने बताया कि टू क्रिएट द फिक्स्ड व्यूज ऑन दिस डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज, तो जिनको जिनके थ्रू आपके ऊपर डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज में आप डायरेक्टली इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते, तो फिर जब इसके ऊपर आप व्यूज क्रिएट करेंगे तो आप फिर उन व्यूज के थ्रू भी इंफॉर्मेशन इनमें चेंज नहीं कर सकेंगे, और वो फिर स्टार्ट होंगे V$ से। तो V$ मींस दैट दीज आर द व्यूज क्रिएटेड ऑन दीज डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। और अगर वो ओरिजिनल डायनामिक परफॉर्मेंस व्यू होगा तो वो V_$ और आगे फिर व्यू का नाम लिस्ट द फिक्स्ड टेबल्स। ठीक है, तो इट विल डिस्प्ले द number names of the all list of the fixed tables created in the database, and this information will be retrieved from the
कंट्रोल फाइल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज की। कंट्रोल फाइल की होगी, डेटाबेस की होगी, डाटा फाइल हो गया, इंस्टेंस हो गया, पैरामीटर, सेशन, एसजीए, तो टेबल स्पेस, थ्रेड, वर्जन, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायनामिक परफॉर्मेंस व्यूज। तो यू कैन क्यूरी जस्ट लाइक अ टेबल। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्क्रिप्ट हैं, तो जिनको जो उनसे नहीं, ये आपके सॉरी ओरेकल होम के अंदर डीबीएमएस, आरडीबीएमएस का जो फोल्डर बनेगा या डीबी का फोल्डर बनेगा उसके अंदर ये स्टोर्ड होते हैं। एंड व्हेनेवर यू नीड टू यूज सम यूटिलिटी, सम ऑप्शन फ्रॉम द सर्वर, यू कैन रन द एप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट फ्रॉम देयर। तो वो आप उधर से जो उनसे वो utl.sql है, व्यूज एंड टेबल्स फॉर डेटाबेस यूटिलिटीज, ठीक है ना, उसके लिए यूज होते हैं। और dbms.sql डेटाबेस पैकेज स्पेसिफिकेशन के हैं। कैट जो सा कैट स्टेरिक का मतलब ये कैट के बाद कुछ भी आ सकता है, जैसे कैट sql, कैट proc.sql हमने कहा था। तो ये कैटलॉग और डेटा डिक्शनरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो ये उसकी नेमिंग कन्वेंशन बता रहा है। अगर वो dbms से स्टार्ट होगा तो वो डेटाबेस पैकेज स्पेसिफिकेशन से रिलेवेंट होगा, अगर वो utl से स्टार्ट हो रहा है तो वो जो सा वो आपका व्यूज टेबल फॉर यूटिलिटीज जो होते हैं आपकी उसके उससे रिलेवेंट होगा। तो ये इसका समरी होगी, इसको आप लोग पढ़ें अच्छी तरह, अगर कोई चीज समझ ना आए तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन